भैंस की आंख। जी आपने कहावत तो सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे, हम बताएंगे आपको सांड की आंख। जी हाँ, ये कोई कहावत नहीं, दरअसल ये टाइटल है अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म का, जिसे और कोई नहीं अपने अनुराग कश्यप बना रहे हैं। जी हाँ, वही अनुराग कश्यप जो अलग तरह की लीक से हटकर और गजब की फिल्में बनाने का मादा रखने वाले डायरेक्टर्स में गिने जाते हैं, जो भी काफी अच्छी अच्छी फिल्में दे चुके हैं, लीक से हटकर दे चुके हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, ये भी लीक से हटकर होने वाली है। तो चलिए आपको बता देते इस फिल्म में मुख्य भूमिका में कौन है। दरअसल इस फिल्म में मेन कास्टिंग है तापसी पन्नू और पेडनेकर की। अब ये फिल्म बेस्ड होगी यूपी के गांव में। कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी, दो बुजुर्ग महिलाएं हैं करीब 80 साल के ऊपर की, चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर। जी हाँ, ये लाइफ उनके ऊपर है जो 80 साल के ऊपर की बुजुर्ग महिलाएं हैं और वो शार्प शूटर्स हैं। उन्होंने 50 साल की उम्र में शार्प शूटिंग स्टार्ट की थी और अब वो गजब की टैलेंटेड हो चुकी हैं, यहाँ तक कि वो इंडियाज गॉट टैलेंट में भी आ चुकी हैं। तो ऐसे में ये स्टोरी बड़ी जबरदस्त लगी अनुराग कश्यप ने और उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने की ठानी। और उनकी नजर में थी दो कलाकार जो कि उनको बहुत पसंद थी, एक तो तापसी पन्नू जिन्होंने पिंक जैसी मूवी और बदला जैसी मूवी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं, और दूसरी है भूमि पेडनेकर। जी हाँ, जिन्होंने जोर लगा के हैशा जैसी मूवी में ओवर वेटेड वुमेन का करेक्टर किया है, काफी अच्छा करेक्टर किया है। वाकई हिम्मत चाहिए अपनी पहली डिबेट फिल्म में ऐसा काम करने के लिए। तो भैया अनुराग कश्यप की ये दोनों चॉइस तो बिल्कुल सही है चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर के कैरेक्टर के लिए। वैसे इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हो चुका है, ये आप इस फिल्म का पोस्टर देख चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ हरियाणवी बैकग्राउंड दिख रहा है और दो महिलाएं दिख रही हैं, थोड़ा हरियाणवी कैरेक्टर में है कपड़े में, थोड़ा यूपी का कुछ गांव जो हरियाणा सटा होता है वहां का लुक थोड़ा लगा हुआ है और दोनों के हाथ में गन है। अब इस फिल्म का नाम है सांड की आंख। वैसे अगर सांड की आंख को इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेट करें तो उसका नाम होता बुल्स आई। बुल्स आई वही चीज होती है जिस पे निशाना लगाते हैं हम लोग, क्रॉस हेयर से मतलब बंदूक से निशाना लगाते हैं, उसे कहते हैं बुल्स आई। तो मेरे ख्याल से अनुराग कश्यप ने यहाँ पे एक ह्यूमर ढूंढने की कोशिश की होगी, एक देसी बन ढूंढने की कोशिश की होगी और अंत में वो इस नाम को लेकर आया जिसका जो फाइनल हुआ है सांड की आंख। तो दोस्तों वैसे हमारे बॉलीवुड में महिला प्रधान फिल्में कम होती जा रही, लेकिन अगर देखा जाए तो काफी अच्छी फिल्में आ रही महिला प्रधान। मैंने आपको पहले बताया था मणिकर्णिका के बाद अपनी मर्दानी 2, और उसके बाद ये भी वुमेन बेस्ड कैरेक्टर होगा जो काफी देखने में मजा आएगा। और वैसे भी बॉलीवुड में यार पहली बार ऐसा हो रहा है जो मतलब जो यंग हीरोइने हैं वो मतलब इतनी ओल्ड लेडी का किरदार कर रही हैं। वैसे पुराने जमाने में ऐसा होता था राखी गुलजार जैसी हीरोइने होती थी जो एक फिल्म में अमिताभ बच्चन की हीरोइनी बन जाती थी तो कभी उनकी माँ भी बन जाती थी, लेकिन इस जमाने में आजकल के जमाने में ओल्ड एज कैरेक्टर करने की हीरोइने ही मिलती है। तो ऐसे में तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर से उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि वो इस फिल्म में अपना रोल कैरेक्टर कैसे करती हैं। वैसे कहानी तो दमदार होगी भाई, जाहिर सी बात है अनुराग कश्यप है तो वो बहुत ही ग्राउंड लेवल वर्क करते हैं, काफी ग्रास रूट लेवल पर वर्क करते हैं, फील्ड में जाके मेहनत करते हैं, स्टोरी के बैकड्रॉप पे मेहनत करते हैं, काफी कुछ रियलिस्टिक रखने की कोशिश करते हैं। उनकी फिल्मों में मतलब एकदम ग्लैमर फ्लैमर नहीं होता है, उनकी फिल्मों में एकदम सत्य होता है, जो एकदम सही तरीके से जमीनी हकीकत होती है वो दिखाई जाती है। अब देखने वाली बात होगी इन दोनों हीरोइनों ने काम कैसा किया है, ये तो खैर ट्रेलर आने के बाद पता चलेगा या टीजर। वैसे इसका ये फर्स्ट लुक है जो इसका पोस्टर है जो काफी मजेदार है। वैसे कुछ दिनों पहले अपने ट्विटर हैंडल पे तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर ने एक फोटो भी जारी की थी, उसके साथ उन्होंने कैप्शन भी लिखा था कुछ हरियाणवी में, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस फोटो में देखी जा सकती थी जो गोबरे की उपलें होती है गांव में जो लोग दीवारों पे छापते हैं, तो वो उसको दिखा रही थी, उन दोनों ने अपना ऐसा फोटो शेयर किया हुआ था। वैसे आप देख सकते हैं इस पोस्टर में देखिए कैप्शन नीचे लिखा हुआ है कि तन बूढ़ा होता है मन बूढ़ा नहीं होता। मतलब भैया आप जाहिर सी बात है 80 साल की दोनों ओल्ड एज लेडीज हैं और दोनों शार्प शूटर हैं, तो भाई जाहिर सी बात है भौकाल, अलग कहानी अलग तरह की, बॉलीवुड में अब चीजें बढ़ रही हैं। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी आने वाली फिल्मों की खबर आप तक लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।